बेरोजगारी तो लोगों को समझ में आती है, लेकिन पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना अपने आप में एक शर्म की बात है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शिक्षित होने के बावजूद भी लोग को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। अब इसी मुद्दे पर पिंकी नाम की एक युवती ने अपने होने वाले पति के लिए सरकारी नौकरी की डिमांड बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से की है। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं कि पिंकी ने तेजस्वी के नाम इस लेटर में क्या क्या लिखा है। पिंकी ने लिखा, डियर तेजस्वी, मुख्यमंत्री बिहार, आपको पता है कि हम बड़ी टेंशन में हैं। आपने तो लव मैरिज कर ली, लेकिन मेरी शादी पर बेरोजगारी की अड़चन लगी हुई है। मैं 4 साल से प्रभास से वन साइडेड अफेयर में हूँ। इस अफेयर की उम्र में मुझे करंट अफेयर पढ़ना पड़ रहा है। सोचा था कि नौकरी लगेगी तो प्रपोज करेंगे, लेकिन नौकरी तो लगने से रही। वैकेंसी एक तो आती नहीं है, और आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। ये सब देखते हुए लगता है कि ये वैलेंटाइन ऐसे ही चला जाएगा, मैं प्रपोज ही नहीं कर पाऊंगी। इधर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगी हुई हूँ, उधर मेरे पिता मेरी शादी की तैयारी में है। मेरी सहेलियों तो शादी के बाद बच्चे भी हो गए हैं, और ये सब सोच सोच कर मन बड़ा मायूस हो रहा है। बड़ी उम्मीद से ये चिट्ठी आपको लिख रहे हैं, नौकरी का जुगाड़ कर रही है, वरना लेखक साहब किसी और जुगाड़ के साथ फरार हो जाएंगे। प्यार के बिना नौकरी लेकर क्या ही करेंगे। आपकी वोटर और लेखक प्रभात की वन साइडेड लवर पिंकी फ्रॉम पटना। गौरतलब है कि पिंकी के लेटर पर प्रभात का भी रिएक्शन सामने आया है, जिनका नाम पिंकी ने लेटर में अपने क्रश के रूप में लिया है। प्रभात ने कहा कि पिंकी ने उनको फंसा दिया है। प्रभात पेशे से एक साहित्य कलाकार है। प्रभात ने कहा कि तेजस्वी को पत्र लिखकर पिंकी तो हिट हो गई और मुझे फंसा दिया है।